भूकंप की तीव्रता नेपाल में 6.3 थी और यह बहुत ज्यादा थी। अब भूकंप रात में आया था, लिहाजा उसे कितनी तबाही हुई उसको लेकर अभी कुछ पुख्ता नहीं कहा जा सकता है। लेकिन जितनी तीव्रता का भूकंप आया है उसके चलते आशंका है कि जैसे जैसे दिन चढ़ेगा वैसे वैसे तबाही की तस्वीरें और सामने आएंगी। बड़ी खबर यह कि नेपाल में भूकंप से 3 लोगों की जान चली गई है। नेपाल के टोडी जिले में 3 लोगों के जान से जाने की खबर है, मर गए हैं 3 लोग। बताया जा रहा है कि भूकंप की वजह से एक मकान गिरने से ये लोग मारे गए। भूकंप आया, नेपाल में तीव्रता 6.3 थी, अब आंकड़ा ये लगातार बढ़ते जा रहा है क्योंकि जो भूकंप की तीव्रता थी वो 6.3 थी, आंकड़ा बढ़कर 3 से 6 हो गया है। अभी की ताजा खबर आपको बता दें कि भूकंप के जो झटके आए नेपाल में उससे 6 लोगों के मौत की खबर है। 6 लोग मारे गए हैं नेपाल में। अभी ये आंकड़ा और बढ़ सकता है, तबाही का आंकड़ा और भी सामने आ सकता है, तस्वीरें सामने आ सकती हैं। फिलहाल का अपडेट ये कि नेपाल के टोडी में 6 लोगों की मौत हो गई है बीती रात, जो भूकंप आया था रात के 2 बजे उसमें। बिल्कुल, तो नेपाल के डोटी में 6 लोग भूकंप से मारे गए हैं, ये बड़ा अपडेट हमें मिल रहा है। और नेपाल की अगर हम बात करें तो अर्थक्वेक प्रोन एरियाज को कहा जाता है, इंडो ऑस्ट्रेलियन और एशियन टेक्टोनिक प्लेट्स के ऊपर पूरा नेपाल बसा हुआ है। और नेपाल के ही कई ऐसे कंट्रीज हैं, माफ कीजिएगा, ऐसे शहर हैं जो कि जोन 5 में आते हैं, यानी कि बहुत ज्यादा यहाँ पर भूकंप के झटके महसूस किए जा सकते हैं। अच्छा, अलग अलग राज्यों से हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। हमारे साथ अजय लगातार उत्तर प्रदेश के लखनऊ से जुड़े हुए हैं। अजय, उत्तर प्रदेश के किन इलाकों में भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं, क्या स्थिति यहाँ पर देखने को मिली, 2 बजे भूकंप के झटके महसूस हुए? जी, जो पहला हिट था तकरीबन बताया जा रहा है कि जो मंगलवार के दिन के हिस्से में आखिरी जो 8 बजे से लेके 12 बजे के बीच में सेंसेशन था, और प्रायोरिटी में जब ये हिट आया है तो 4.3 की तीव्रता के संग लखनऊ, अवध और अवध से जो हिस्सा नेपाल की सीमा की तरफ बढ़ता है, बरेली और उसके अलावा जो बाराबंकी बहराइच का हिस्सा है उसमें इसका प्रभाव देखने को मिला। बेहद ही धीमी रफ 4.3 की जो प्रवृत्ति थी वो देखने को मिली, तो ज़्यादा उसका असर मालूम नहीं दिया। किसी तरीके की कोई जनहानि, कोई संपत्ति की हानि भी मालूम नहीं दी है। जी हाँ, बिल्कुल अजय, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। हमारे सहयोगी अंकित और अहमद बिलाल भी